हाय गाइस, 16 आईपीएल सेशन आज से शुरू हो चुका है दोस्तों। गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच के मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन की शानदार पारी खेली यहाँ पे 20 ओवर में। गए एक बार अच्छा प्रदर्शन रहा इस मैच में। वो यहाँ पे 200 शुभमन गिल का 36 रन की पारी खेल चुके, 25 गेंदों में 4 चौके 1 छक्का लगा चुके, 148 स्ट्राइक। यहाँ पे शाह की बात करें 225 रन पे अपने हंगकार के गेंद पे दुबे ने खेल का, और शाह यहाँ पे 16 गेंदों 25 रन बनाकर अपना विकेट गवाया। 2 छक्के आए थे। 56.25 स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल 37 पर खेल चुके, 25 गेंदों में 4 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं, 148 की स्ट्राइक। 200 साई सुदर्शन जोशी अभी 22 रन पे अपना विकेट गवा चुके हैं, 15 गेंदों 22 रन बनाए हैं, 3 चौके आ चुके हैं बल्ले से। 63 रन की बल्लेबाजी दोस्तों। आप गुजरात से 92 की पारी खेल चुके, 2 विकेट नुकसान पे आते हैं। 10 ओवर में समाप्त। हार्दिक पांड्या अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, अब लक्ष्य 179 का लक्ष्य मिला है यहाँ पे दोस्तों। हम बात करेंगे टोटल की तो 89 पे 1 विकेट, 9 ओवर समाप्त, 9.88 रही उनकी अटेंडेंस यहाँ पर दोस्तों। हार्दिक पांड्या अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं, कैप्टन यहाँ पे शुभमन गिल के साथ दोनों बल्लेबाज मौजूद हैं दोस्तों। आज का मैच अंदर रहा, दूसरा मैच हो जाए दोस्तों, पंजाब मैच खुल जाए शुरू हो सकता है कल का IPL 2023 का मुकाबला। गुजरात वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग बल्लेबाजी करते हुए 180 की शानदार पारी खेली। तो यहाँ बात करें चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग का परफॉर्म किस तरह रहा इस मैच में, तो देखते हैं परफॉर्म IPL 2023 का मुकाबला। हार्दिक पांड्या भी उतरे हैं, विजय शंकरा, राहुल तेवटिया, रशीद खान, मोहम्मद शमी, जोसेफ डिटिल, जस दयाल और जयसवी बल्लेबाजी करने उतरेंगे। पहला विकेट सबसे पहला विकेट शाह का 74-85 गेंद पे। बॉलिंग दोस्तों पर दीपक चाह, दूसरे 2 ओवर में 14 रन, शांत इकोनॉमी तुषार 2 ओवर 29 रन, 14 इकोनॉमी धर्मेंद्र शंकर 1 ओवर 12 रन, 1 विकेट 12 इकोनॉमी, 1 बैक 2 विकेट, मिचेल सिंथा 2 ओवर 20 रन जिस इकोनॉमी, और रविंद्र जडेजा से 2 ओवर 12 रन, 6 की इकोनॉमी का बल्लेबाजी शानदार रही है दोस्तों। जैसे दीपक चाह का अच्छा परफॉर्म, विकेट भी 1 मिला है शनकर को, मिला नहीं आज दोस्तों। 10 ओवर समाप्त, 93 पे 2 विकेट गिर चुके यहाँ पे दोस्तों। लक्ष्य है यहाँ पे 179 का। लास्ट को खेलकर का हुआ पिछला ओवर 4 जडेजा वापस ओवर डालने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। जडेजा के 2 ओवर समाप्त, तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, 12 रन दिए हैं इन्होंने, 6 की इकोनॉमी है, शानदार बॉलिंग रही है जडेजा की। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे रजेंद्र की, ऐसी बदली बॉलिंग 1 ओवर 12 रन, 1 विकेट लिए यहाँ पे दोस्तों। आज हमें शानदार रहा है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात के बीच मुकाबला। शानदार तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की शानदार यहाँ पे कप्तानी पारी, यहाँ पर दोस्तों कई प्रकार का अच्छा प्रदर्शन रहा था इस मैच में। तो फिर से देखते हैं चेन्नई सुपर किंग का परफॉर्म किस रहा है इस मैच पिछले वीडियो, तो परफॉर्म देखते हैं बैटिंग का परफॉर्म किस रहा है इस मैच में दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात के बीच मुकाबला। गुजरात ने टॉस जीता पहले बल्ले का फैसला, तो फिर से चेन्नई सुपर किंग की देखते हैं बैटिंग किस रही है इस मैच में। आइए चर्चा करते हैं चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज रहा था हेलो एवरीवन, स्वागत है आज का मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच का मुकाबला दोस्तों। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या के बीच की दोनों टीम आपस में बीत चुकी है। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और फैसला किया फील्डिंग का दोस्तों। यहाँ बॉलिंग करा है गुजरात टाइटंस, यहाँ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग की 20 ओवर में 114 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पे। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ की अनबिलीवेबल फॉर बैटिंग रही यहाँ पे इस मैच में। ऋतुराज गायकवाड़ ने 70 रन की पारी खेल चुके, मात्र 34 गेंदों में 70 रन बनाए यहाँ पे, 8 चौके जड़े इस मैच के। IPL के सबसे खतरनाक और शानदार बल्लेबाजी आज की है ऋतु गायकवाड़ द्वारा। दूसरी बात देवन कौन में दोस्तों, आज एक रन बनाए मात्र मोहम्मद शमी गेंद पे बोल्ड हुए, 6 गेंदों में 1 रन बना के आउट हुए, 16.66 स्ट्राइक रेट। देवन कौन में मारे 1 रन बना के आउट हुए। ऋतु गायकवाड़ की शानदार पारी, 70 रन की 34 गेंदों में 70 रन बनाए यहाँ पे, 3 चौके 8 छक्के लगे यहाँ पे, 205.83 स्ट्राइक रेट दोस्तों। अभी क्रीज मौजूद है ऋतु राज गायकवाड़ की, अच्छी बल्लेबाजी हुई यहाँ पे, 70 रन की शानदार पारी खेली है दोस्तों। बाद मोहन अली की तो 23 रन पारी खेल चुके हैं, रशीद खान गेंद पे सहारा कैच लपका, और मोहन अली 17 गेंदों में 23 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का लगाए, 135.29 स्ट्राइक। मोहन अली अब 23 रन की पारी खेल चुके हैं यहाँ पे 17 गेंदों में, रशीद खान गेंद पे साहब ने कैच लपका, और मोहन ने आज बाद 23 रन पे आउट हुए। शानदार पारी 17 गेंदों में 23 रन की, शानदार पारी खेली आज ऋतुराज गायकवाड़ की, शानदार पारी 70 रन की।
दोस्तों बेनिस्टो आज सात रन बना के अपने विकेट की वजह से खान की गेंद पे शान केशलब का, यहाँ पे दोस्तों बेनिस्टो सात रन बना के आउट हुए, छः गेंदों में सात रन बनाए, एक चौका उन्होंने बल्ले से आया था, 16.6 स्ट्राइक रही। दोस्तों मत राइडू 11 रन पर खेल चुके, 10 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं, अभी एक चक्का लगा चुके हैं इस मैच का, 110 के लिए स्ट्राइक। दोस्तों एक साथ दो रन मिले यहाँ पे, 14 पे 3 विकेट गिर चुके अभी तक, टोटल यहाँ पे 114 की पारी खेल चुके चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच का मुकाबला पहला IPL का आज का मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 2023 का मुकाबला, दोस्तों आज पहले टॉस जीता गुजरात टाइटंस ने, वो पहले बॉलिंग का फैसला किया तो पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग दोस्तों 114 की पारी यहाँ पे खेल चुके, 3 विकेट नुकसान पे 12 ओवर समाप्त, यहाँ पे 9.50 लेकर रन यहाँ पे। दोस्तों 8 चक्के लगा चुके ऋतिक एकबार, 1 चक्का लगा चुके मोहन अली और 1 चक्का आया है अमित रायडू द्वारा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग का आज पहले इनिंग में फर्स्ट ताबड़तोड़ और बहुत ही जोश हवास में खेलने वाले खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ का आज बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन आज जितनी 41 पर है उतनी कम है, यहाँ पे 70 रन की पारी खेल चुके, 34 गेंदों में 70 रन की बहुत ही बड़ी पारी खेली, आज 3 चौके चढ़े हैं, 8 छक्के लगा चुके हैं, 4 में लग रहे हैं यहाँ पे शतक पूरा करने में, मात्र 30 रन दूर है यहाँ पे, 34 गेंदों में यहाँ पे 70 रन बना चुके हैं, यहाँ पे 50 गेंदों में 40 गेंदों तक 50 रन आ सकते हैं, यहाँ पे 100 से दूर है मात्र 30 रन, बहुत शानदार पारी खेली है यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा। देवन कौन में 1 रन में आउट हुए, ऋतुराज गायकवाड़ अंबत्तर के साथ बल्लेबाजी करने क्रीज मौजूद है, 70 और 11 कम से पारी खेल चुके हैं। दूसरे अमोर लीग 23 पे आउट हुए, बेरिस्टो 7 रन बनाए आउट हुए, यहाँ पर 114 की पारी खेल चुके हैं, टोटल यहाँ पर 3 विकेट नुकसान पे 112 ओवर समाप्त, यहाँ पर 100 चली 9.50 के कारण 100 यहाँ पे चली यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की। दोस्तों बात करके गुजरात जॉयंट्स की बॉलिंग परफॉर्म किस तरह रहा इस मैच में, पहले बॉलिंग करते हुए पहले हार्दिक पांड्या की टीम, यहाँ पे राशिद खान उमर शमी तीनों शानदार बल्लेबाज, यहाँ पे बॉलिंग भी अच्छी शानदार की है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 विकेट ले हैं यहाँ पे शमी द्वारा, पहला विकेट डेविड कॉनवे कर लिया, उसके बाद दोस्तों रशीद खान ने मोहन अली को आउट किया, उसके बाद बसीर खान ने बेनिस्टो को आउट किया, 2 विकेट रशीद खान के खाते में आए, वो एक देवन कॉनवे ने मोहम्मद शमी द्वारा बोल्ड कर गए विकेट लिए हैं यहाँ पे, 70 की पारी खेल चुके ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ बल्लेबाज करते हैं, बहुत शानदार परफॉर्म 4 में लग रहे हैं इस मैच में IPL का, ये इंडियन प्रीमियर लीग की 2023 का मुकाबला बहुत शानदार तरीके से होने जा रहा है, IPL 2023 का हाईलाइट। दोस्तों इस तरह से आज का मैच बहुत शानदार रहा है, बात करें बॉलिंग परफॉर्म फील्डिंग किस तरह रही इस मैच में गुजरात टाइटंस की, तो यहाँ बात करेंगे बॉलिंग के परफॉर्म, जैसे पहले देखते हैं बल्लेबाजी करने चेन्नई सुपर किंग के कितने बंदे आए, 3-5 बल्ले आ चुके हैं, 4-7-8 नंबर पे आज धोनी का नाम है, उस वजह से धोनी किस तरह से मैच का परफॉर्म कर गया, रवि जडेजा के बाद धोनी कैप्टन या विकेट कीपर धोनी की कप्तानी पारी किस तरह रही इस मैच में देखने लायक बात है। दोस्तों यहाँ बात करेंगे 14 रन पर खेल 3 विकेट नुकसान पे 12 ओवर समाप्त, यहाँ पर 9.50 चली कर रन, तो मोहन अली 23 पे आउट हुए, बेनिस्टो 7 रन बनाए आउट हुए, अंबत रायडू यहाँ पर 11 की पारी खेल चुके, ऋतुराज गायकवाड़ 7 की पारी खेल चुके। तो बात करें बॉलिंग परफॉर्म किस तरह है IPL 2023 के मुकाबला, यहाँ पर IPL 2023 का हाईलाइट शानदार तरीके से हो रही है, बैटिंग दोस्तों शिवम दुबे आए गए, रविंद्र जडेजा 8 समेत, धोनी कैप्टन विकेट कीपर मिचेल सुंतार दीपक शहर और राजवेंद्र हिंगकार यहाँ बल्लेबाजी करने उतरेंगे आप चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। दोस्तों बात करें फॉलो विकेट की, दोस्तों पतन किस विकेट हुआ है, 14 पर पहला विकेट देवन कॉनवे गया था, 30 दूसरी गेंद पे 50, दूसरा विकेट मोहन अली का, 6 और 5 गेंद, 70 तीसरा विकेट बेनिस्टो का, 8 और 4 गेंद पे। दोस्तों इस तरह आज 3 विकेट गिर चुके 70 रन तक, बॉलिंग में मोहम्मद शमी का 3 ओवर में 19 रन 1 विकेट लिया, इकोनॉमी रही 6 और 33, और यहाँ पर मोहम्मद शमी 3 ओवर में बहुत शानदार परफॉर्म 19 रन दिए और 1 विकेट चटका, यहाँ पे 6.33 इकोनॉमी 9 गेंद डाली थी, एक बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर मोहम्मद शमी द्वारा। दोस्तों हार्दिक पांड्या की बात करें, इसमें 2 ओवर डाले उन्होंने 24 रन देखे, 12 की इकोनॉमी रही, शानदार परफॉर्म हार्दिक पांड्या द्वारा, यहाँ पर 2 ओवर डाले 24 रन 24 रन 2 ओवर, हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिला, सफलता इस मैच में मिली है कैप्टन को, जोश लिटिल दोस्तों यहाँ पर 2 ओवर 22 रन दिए, 10-11 की इकोनॉमी, शानदार परफॉर्म जोश लिटिल द्वारा, 2 ओवर 22 रन अच्छा परफॉर्म रहा हार्दिक पांड्या का, 2 ओवर 24 रन बहुत शानदार परफॉर्म, मोहम्मद शमी का 3 ओवर 19 रन 1 विकेट। दोस्तों यहाँ पर 14 पहला विकेट 50 दूसरा विकेट 73 विकेट बेनिस्टो द्वारा, 8 ओवर में 3 विकेट गिर चुके, यहाँ पे शिवम दुबे रविचंद्र जडेजा MS धोनी कैप्टन मिचेल सुंतार दीपक चहर राजवेंद्र हजनकार यहाँ बल्लेबाजी करने उतरे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। दोस्तों आज बॉलिंग परफॉर्म मोहम्मद शमी गुजरात चढ़ने की तरफ से 3 ओवर में 19 रन 1 विकेट, 6 प्रति इकोनॉमी हार्दिक पांड्या यहाँ पर 2 ओवर में 24 रन 12 की इकोनॉमी, जोश लिटिल दोस्तों 2 ओवर 22 रन 11 इकोनॉमी। दोस्तों नौ ओवर वाली परफॉर्म इस मैच बहुत ही शानदार है, यहाँ पे मोहम्मद शमी का 19 रन 3 ओवर में 24 रन दिए हैं, यहाँ पे 2 ओवर में हार्दिक पांड्या द्वारा 22 रन दिए हैं, यहाँ पे 2 विकेट जोश द्वारा। दोस्तों बल्लेबाजी परफॉर्म देखते हैं बहुत शानदार है, फॉलो विकेट 14 पहला विकेट देवन कॉनवे का, 30 दूसरी गेंद पे 50 दूसरा विकेट मोहन अली का, 6 और 5 गेंद 70 विकेट बेनिस्टो का, 8 और 4 गेंद पे। दोस्तों शानदार बल्लेबाजी रही यहाँ पे। तो बात करें बॉलिंग परफॉर्म मोहम्मद शमी हार्दिक पांड्या जोश लिटिल के बाद, दोस्तों रशीद खान 3 ओवर डाले 16 रन 2 विकेट,